हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया कि काउंसलिंग 17 से स्टार्ट होगा और सबसे बड़ी समस्या है कि काउंसलिंग कैसे कराई जाएगी, यानी कि जो काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन है वो कैसे कराना है। गाइस देखिए, मैं आपको बता दूं कि बस एक ही डॉक्यूमेंट्स लगेंगे काउंसलिंग के टाइम, बस आपको एक ही डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं? वो है आपके बैंक पासबुक की स्कैन कॉपी, बस वही डॉक्यूमेंट्स लगेगी रजिस्ट्रेशन के टाइम, और कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेगा। अगर आप चिंतित हैं कि इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन के टाइम कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेगा, बस एक आपका बैंक के पासबुक की स्कैन कॉपी लगेगी। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ स्कैन कॉपी कहाँ अपडेट करना है और कैसे काउंसलिंग होती है। इस पूरी प्रक्रिया को आइए मैं आपको एक्सप्लेन करके आपको बता देता हूँ, लाइव यहाँ करके दिखा देता हूँ कि कैसे कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो ये आपको पेज पता है, यहाँ पे आपको अपनी लॉगिन यूज़र आईडी और यूज़र पासवर्ड डालना है। जैसे ही आप आईडी और पासवर्ड डाल के यहाँ लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद आपको ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। इस इंटरफेस में आपको कुछ नहीं करना है, बस अपना फोटो, सिग्नेचर और नाम मैच कराना है। देखिए, अगर आज आपका रजिस्ट्रेशन का डेट होता है तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन, आपको काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते ही फिर आपको एक छोटा सा नोटिफिकेशन दिया जाएगा। इस नोटिफिकेशन में कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा पेमेंट के बारे में बताया गया है कि कैसे पेमेंट करना है, कुछ नहीं। तो बस आपको ध्यान से पढ़ लेना है, करना कुछ नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन कर देना है। तो फिर आपको यहाँ पे काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आपको ये वाला इंटरफेस खुल के आएगा। इसमें भी बस आपकी डिटेल्स भरी होगी, मैच करा लेना है। आप अगर स्लाइड कराते हैं नीचे की तरफ स्लाइड कराते हैं तो बस आपको ये वाला नीचे ऑप्शन दिखाई। देखिए, ये जो यहाँ पे पेज है आपको डिटेल्स के साथ यहाँ पे आपको राउंड दिखाएगा और यहाँ पे आपका रैंक दिखाएगा। ठीक है, आप नीचे की तरफ स्लाइड कराएंगे तो यहाँ पे जो चीज़ें आपको करनी है वो यहाँ पे होगा। देखिए, राउंड और रैंक के बाद आपको यहाँ पे अपना बैंक डिटेल्स भरना है, क्या क्या अकाउंट होल्डर नेम, बैंक नेम कन्फर्म करना है, नेम ऑफ अ बैंक, ब्रांच सिटी और IFSC डाल के यहाँ पे मैं आपको क्लियर दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पे आपको अकाउंट होल्डर का नाम डालना है। और देखिए, समस्या ये है कि यहाँ पे किसका नाम डालेंगे, तो आपको नाम भी नहीं, टाइपिंग नहीं करना है। जैसे ही आप अकाउंट होल्डर के नेम के यहाँ एरो के पे आप क्लिक करते हैं, आपको ये वाला खुल के आ जाएगा। इसमें आपको तीन नाम दिए रहेंगे, आपके पापा का नाम, आपकी मम्मी का नाम और आपका नाम। और आप जिसका नाम सेलेक्ट करते हैं उसका बैंक अकाउंट्स का नंबर यहाँ डाल दीजिए और उनका IFSC डाल दीजिए, कंफर्म कर दीजिए, ब्रांच नेम और ब्रांच सिटी डाल दीजिए। और जिनका नाम और अकाउंट डिटेल्स आप डाल रहे हैं उसी के अकाउंट का आपको पासबुक की फोटो यहाँ पे स्कैन करके अपलोड करनी है। अगर आप मोबाइल से साफ खींच के भी अपलोड करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन वो जो होगी वो मैक्सिमम 100 KB में होनी चाहिए। यहाँ देखिए, ध्यान से यहाँ पर लिखा है कि मैक्सिमम 100 KB में होनी चाहिए। ओके, जैसे ही आप 100 KB मैक्स से कम में आप बैंक पासबुक आप यहां पे अपलोड करते हैं, आपको ये वाला इंटरफेस खुल के आएगा। ठीक है, यहां पे आपको जस्ट एक मिनट, कहां गया, ओह सॉरी, ठीक है, हाँ, ये वाला खुल के आएगा। तो यहाँ पे आपको जो जिस नाम से सेव करके रखेंगे वो नाम दिखाई देगा। और ये जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है प्रीव्यू। आप प्रीव्यू करके देख लीजिएगा कि आपने जो बैंक पासबुक अपलोड किया है क्या वो सही फोटो है और साफ आया है कि नहीं आया है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आपका पेमेंट दिखाई देगा कि 750 रुपये आपको काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन और 5000 रुपये आपको एडवांस फीस की फ़ीस के तौर पर जमा करने हैं। ठीक है, 5000 रुपये आपको एडवांस फीस के तौर पर जमा करने हैं। कहाँ गया भाई, हाँ, 5000 रुपये आपको यहाँ पे एडवांस फीस के तौर पे जमा करने हैं। तो टोटल यानी कि 5750 रुपये रजिस्ट्रेशन का टाइम आपको पेमेंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बैंक डिटेल्स भरने के बाद आप यहाँ पे और सिंपल सा सबमिट कर दीजिए। ठीक है, सब सबमिट कर दीजिएगा। ओके, सबमिट करने के बाद आप जैसे ही सबमिट करते हैं, आप यहाँ पे सबमिट करते हैं, आपको ये वाला इंटरफेस खुल के आएगा। इसमें देखिए, इसमें कहा है प्लीज़ वेरीफाई डिटेल्स, चेक सबमिटेड द डिटेल्स कैन नॉट बी चेंज। मतलब आप एक बार अगर सबमिट कर देंगे तो यहाँ पे फिर चेंज नहीं कर पाएंगे। तो सिंपल उसमें करना क्या था, बस आपको बैंक डिटेल्स भरना था और बैंक पासबुक की स्कैन कॉपी वहाँ पे लगानी थी। फिर आप यहाँ पे प्रोसीड कर दीजिए, अगर दोबारा चेक करना चाहते हैं तो कैंसिल कर दीजिए। चलिए, प्रोसीड करके आप आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं आपको पेमेंट पे आ जाएगा। तो जिस भी माध्यम से, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, UPI से, जिस भी माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं आप यहाँ से पेमेंट कर लीजिए। और पेमेंट करने के बाद आपको ये वाला इंटरफेस, जैसे पेमेंट सक्सेसफुल होगा ये वाला इंटरफेस खुल के आ जाएगा। मतलब आपका काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन हो गया। और जब काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा काउंसलिंग प्रिंट। ठीक है, तो आप काउंसलिंग प्रिंट पे क्लिक करके और यहाँ पे काउंसलिंग प्रिंट पे जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे आ जाएगा क्लिक हियर टू प्रिंट। देखिए, क्लिक हियर टू प्रिंट। ठीक है, आपको यहाँ पे क्लिक करके अपना प्रिंट कर लेना है डॉक्यूमेंट्स। और लास्ट में आपको जो फाइनल कॉपी मिलेगी वो इस टाइप से मिलेगी। यही आपका लास्ट काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन की प्रिंट कॉपी होगी। इसको अपने पास सेव करके रखना है। इन केस अगर आप भूल जाते हैं या फिर नहीं सेव कर पाते हैं, बिल्कुल मत घबराइए। नेक्स्ट टाइम जब भी आप चाहें तो यहाँ से जाके आप काउंसलिंग प्रिंट करके जितनी बार चाहें आप वहाँ से काउंसलिंग प्रिंट कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। तो देखा, मैंने आपके सामने करके दिखा दिया। एक्चुअली में ये लास्ट ईयर की काउंसलिंग प्रोसेस थी। जैसे 2021 की काउंसलिंग प्रोसेस आती है मैं आपको बता दूँ। बिल्कुल घबराइए मत, अपने आप सेल्फ करिए, अपने मोबाइल से ही आप कर सकते हैं। आपको बस पेमेंट UPI या फिर कार्ड से या फिर नेट बैंकिंग से करना है, आप अपने मोबाइल से ही कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही 17 तारीख को काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन शुरू होता है मैं आपको नई वीडियोस लाइव करके दिखा दूंगा। तब तक आप प्लीज़ चैनल से जुड़े रहिए, जैसे ही अपडेट आती है आपको वहाँ पे बता दिया जाएगा। एक बार फिर से मैं रिपीट करूँ, बस आप बैंक पासबुक की स्कैन कॉपी रेडी रखिए। और स्कॉलरशिप के लिए आप प्लीज़ आवेदन कर दीजिए, किसका, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट का। स्कॉलरशिप के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या होगी उसके लिए वीडियो बनाई जाएगी, लेकिन अभी बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, आपको बस बैंक पासबुक ही लगाना है रजिस्ट्रेशन के टाइम। ठीक है, आगे की प्रोसेस भी हम देखते रहेंगे। ओके, चैनल से जुड़ जाइए, आगे आपको ऐसे वीडियो के द्वारा अपडेट किया जाएगा। Thank you so much for watching. Have a nice day and see you in the next video. Bye bye.